हेलो फ्रेंड्स, पवित्रा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कान्हा जी के लिए नारियल का लड्डू बना के दिखाऊंगी, भोग के लिए उनके। ये नारियल है, 100 ग्राम नारियल है, उसका पूरा मिल जाता है ऐसा पिसा हुआ, मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। और ये है चीनी, ये है केसर, ये है 5 इलायची है। इसको मैं छील के इसको पीस लूँगी ना छील के। चलिए बनाते हैं। ये एक कटोरी, छोटी कटोरी दूध है, एकदम कम दूध में हम आपको आज बना के दिखाएंगे। इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। इसमें हम केसर डाल देंगे, दूध में ही डालेंगे केसर, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हम चलाएंगे अच्छे से। दूध हमारा बढ़िया से पक गया है, आप देख सकते हैं, और केसर भी अपना कलर छोड़ दिया है। दूध हमारा एकदम पीला हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। कान्हा जी को नारियल का लड्डू बहुत पसंद है, उनको नारियल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, वो बहुत खुश होते हैं। चीनी हमारा मेल्ट हो गया है, देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची को मैं पाउडर बना ली हूँ। भगवान को इलायची पाउडर बहुत प्रिय है, माता लक्ष्मी को भी प्रिय है, उनको इलायची और केसर बहुत पसंद है, इसलिए हम इलायची और केसर ज़रूर डालते हैं। खीर हो या मिठाई हो, किसी में भी बनाते हैं। तो अब हम इसमें नारियल का रोना डाल देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाएंगे। आप देख सकते हैं लड्डू बनके रेडी हो गया है। ऐसे घर पर लड्डू बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। बाहर के लड्डू में मिलावटी होता है, लेकिन अपने घर पे बनाएंगे ऐसे तो एकदम शुद्ध भगवान को भोग लगेगा। अगर भगवान जी को कहीं लेके आप जा रहे हैं तो उनके लिए रास्ते में भी बना के आप लेके जा सकते हैं ऐसे। आपको लड्डू कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि लड्डू कैसा बना है।